अब बोलिए। नमस्कार, आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर हम लोग 75वां अमृत महोत्सव मनाए रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में आज श्रावस्ती विधानसभा के इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए। सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी 2014 में जिस दिन से इस देश की शपथ लिया और इस देश की बागडोर संभाला, उसी दिन उन्होंने अपने उद्बोधन में कह दिया था शपथ में ही कि इस देश की 130 करोड़ जनता ही हमारा घर परिवार और भाई बहन बेटा के रूप में है। और एक शब्द उन्होंने कहा था कि न मैं सोऊंगा, न सोने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ जिस दिन से शपथ लिया, तो इस देश के 130 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पहली योजना हमारी प्रधानमंत्री जी जन धन योजना लेकर के आए। और जन धन योजना में करीब 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क खाता खुलवाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उस समय विरोधी पार्टियां कह रही थी कि ये खाता खोलने का क्या मतलब है, और इसका दूरदर्शी परिणाम अब आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी योजना उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना जो भारत सरकार की थी वो लेकर के आए, उज्ज्वला योजना। मोदी जी अपने उद्बोधन में कहते थे कि जब मैं बचपने में था, मेरी माँ बाग से लकड़ी तोड़ करके लाती थी और खाना परोसती थी, तो उस झोपड़ी में इतना धुआं होता था कि ना बेटा माँ को देख पा रहा था और ना माँ बेटे को देख पा रही थी। उन आत्माओं को चूमते हुए, माताओं के हित को ध्यान में रखते हुए और उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, और इसमें 3 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को दिया है। जो मोदी जी का नारा था सबका साथ और सबका विकास, उसको चरितार्थ करते हुए, उन आत्माओं को चूमते हुए, बहनों की आत्माओं को चूमते हुए और गैस कनेक्शन देने का काम किया है। तीसरी योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना में क्या था, पहले हम लोग बचपने में जब पढ़ते थे तो दीपक की रोशनी में, ढबरी की रोशनी में पढ़ते थे। बड़े घरों में केवल बिजली हुआ करती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित होगा, तब इस देश का विकास होगा, जो पंडित दीनदयाल जी ने नारा दिया था अंत्योदय। और उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर बड़े घर की बेटी और बहू बिजली की रोशनी में खाना बनाएगी, बड़े घर का बेटा बिजली की रोशनी में पढ़ाई पढ़ेगा, तो हमारे गरीब घर की जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी बेटी भी बिजली की रोशनी में खाना बनाएगी और उनका बेटा बिजली की रोशनी में पढ़ाई करेगा। और पूरे देश की आत्माओं को चूमते हुए उन्होंने पूरे देश में निःशुल्क बिजली देने का काम योगी सरकार ने किया। चौथी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी जो लेकर के आए, अभी तक क्या थी आप लोग भी जानते हैं, कोई छिपा नहीं है। हमारे देहात की बहनें लोटा में पानी लेकर के शौच के लिए जो घर से बाहर जाती थी, और जब कोई गाड़ी निकलती थी तो शर्मसार होकर के खड़ी हो जाती थी। उन आत्माओं को चूमते हुए पूरे देश में एक तरफ से सबको, सभी बहनों को, सभी भाइयों को शौचालय देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसका नाम रखा इज्जत घर। पहले भी सरकारें शौचालय के नाम पर पैसा देती थी, लेकिन 2,000-2,500 रुपया देती थी, लोग बना नहीं पाते थे। जो बनाए तो उसमें कंडे और लकड़ी रखे जाते थे, निष्प्रयोग साबित हो रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12,000 रुपये की राशि देकर और बेहतरीन शौचालय का निर्माण करा करके पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाने का काम किया। तमाम तरीके के जो जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएँ हैं, हम लोग बचपने में जहाँ पर मोटरसाइकिल छोड़े साइकिल नहीं निकल पाती थी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के और गडकरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सड़कों का एक जाल बिछ गया। यह कल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, और उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सभी ग्रामीण मार्गों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य लिया था। उसको चरितार्थ करते हुए, उनके सपने को पूरा करते हुए हमारी मोदी जी की सरकार ने गांव गली में सड़क दे करके
और लोगों को दर को ऊंचा बढ़ाने का काम किया। ऐसे तमाम जन कल्याणकारी लोककारी योजनाएं, अभी कुछ दिन पहले क्या होता था, जब कोई गरीब आदमी के घर में कोई बीमार होता था तो उस समय दवा के अभाव में या तो घर की जेवर बेचते थे या फिर गिरवी खेत को रखते थे या कर्जा लेते थे, और जब उसके बाद भी आदमी का दम टूट जाता था, नहीं बच पाता था, उन आत्माओं को ढूंढते हुए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हमारे देश का एक भी नौजवान, एक भाई, एक भी कोई लाभार्थी अब बीमारी से ग्रसित होकर के अपना दम नहीं तोड़ेगा। और उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बना करके 5 लाख रुपये तक निःशुल्क दवा का प्राविधान पूरे देश में किया। यह सबसे बड़ा अनोखा पहल। और मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही, जिस चीज़ को हमारा हिंदू जनमानस लंबे समय से 550 वर्षों से बहुप्रतीक्षित था, राम मंदिर का मुद्दा। उस राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में लिया, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट से इसकी पैरवी करा करके और आदेश लेकर के और भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके पूरे देश के हिंदुओं का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और यही नहीं साथियों, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय 563 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहमति पत्र लेकर के और एक सूत्र में बांधने का काम किया। दो रियासतें ऐसी थी जो तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को बीड़ा उठाया था कि इसको हम एकत्र करेंगे, लाहौर और कश्मीर। और वो बीज आज तक बोता रहा, वो बीज आज तक जहर का बीज पड़ा रहा। और उसी में उनके कैबिनेट के जो मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब उन्होंने देखा कि एक देश में दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान लागू हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा देकर के और जनसंघ में आकर के और उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे देश में एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान चलेगा। और वो लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए कश्मीर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। तब से जनसंघ वालों ने और सारे हिंदुओं ने नारा लगाया था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा। उन आत्माओं को चूमते हुए इस देश के सदी प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2020 को एक झटके में कश्मीर से धारा 370 और 35 समाप्त करके समान नागरिकता का कानून ला करके इस देशवासियों को मस्तक को ऊंचा करने का काम किया। और यही नहीं, तमाम जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं। एक समय था यही अमेरिका, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इनको वीजा नहीं दिया था अमेरिका जाने के लिए। आज जब हमारा प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष गलीचे बिछा करके और भरी निगाहों से देखता है कि प्रधानमंत्री भारत का आ रहा है और क्या बोलने वाला है। उनकी वाणी की प्रतीक्षा में, हमारे प्रधानमंत्री जी की वाणी की प्रतीक्षा में आज वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ये है तुम्हारे भारत देश के प्रधानमंत्री के गौरव का कमाल। और यही नहीं, जब प्रधानमंत्री हमारा विदेशों में जाता है और जब उसको गौरव प्राप्त होता है तो उसमें पूरे भारतवासियों का मस्तक ऊंचा होता है। सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, और अभी हाल में कोविड का काल आया, जब कोविड का काल आता है पूरे विश्व में कोविड की महामारी से तमाम मौतें होती हैं, उस समय हमारे देश में एक भी साइंटिस्ट नहीं थे, कोई भी वैज्ञानिक नहीं थे, कोई दवा नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके और दवा का उत्पादन करा करके पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में दवा दे करके अन्य देशों की जान बचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उस समय जब लॉकडाउन लगा था 25 मार्च 2020 को, उस समय की स्थितियाँ ये थी, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे, लोग घर को भाग रहे थे। उस समय जब बॉर्डर पे लोग आते थे तो हमारे इस उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं किसी भी प्रवासी मजदूर को नंगा नहीं जाने दूंगा, भूखे नहीं सोने दूंगा, उनको उनके घर तक पहुंचाऊंगा। और कोविड काल में उस समय के दौर में केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से निकल करके उस महामारी में निकल करके और प्रवासी मजदूरों को के लिए पानी, लंच पैकेट, खीरा, जूता, चप्पल की भी व्यवस्था, जो नंगे पाँव थे
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और उस समय सरकार ने निर्णय लिया कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको हम भूखे नहीं सोने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी, आप लोग जानते हैं कोई छिपा नहीं है, अपने मंडल अध्यक्षों के माध्यम से, सेक्टर अध्यक्षों के माध्यम से उन गरीब मजदूरों को, गरीब प्रवासियों को, जो रेहड़ी पटरी दुकानदार थे जिनका रोजगार बंद था, सबको राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि हमारे देश का कोई भी गरीब भूख से नहीं सोएगा, भूख से नहीं मरेगा, इसलिए डबल इंजन की सरकार ने महीने में 2 बार राशन दे करके इस देशवासियों का मस्तक ऊँचा करने का काम किया है। तब से सिलसिला आज तक जारी हुआ है। तमाम जन कल्याणकारी लोग योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की, और मुझे बताते हुए और बड़ी प्रसन्नता हो रही, 1995 में हमारे सरस्वती में एक हवाई पट्टी निर्मित हुई थी जो सफ़ेद हाथी के रूप में निष्प्रयोग साबित हो रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लोगों की आत्मा को छूमते हुए रीजनल कनेक्टिविटी में लेकर के और इसका विस्तारीकरण करा करके और पूरा लाइसेंस बन के तैयार हो गया है, उड़ाने चलने वाली है और विस्तार के लिए योजना बन रही है। अब श्रावस्ती ही नहीं, पूरे मंडल का किसान हवाई पहन करके और हवाई की यात्रा करने जा रहा है, इससे ज़्यादा गौरव की बात और क्या हो सकती है। आज विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं, उनके पेट में खुजली हो रही। नहीं बात उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ, इस उत्तर प्रदेश की बागडोर 25 मार्च 2017 को संभाले तब से लेकर के और आज तक, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि इस देश उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता ही हमारा घर परिवार के रूप में है और जीरो टॉलरेंस की नीति में जिस तरीके से आज अपराधी या तो जेल में है या तो ऊपर सिधार गए हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, जिस तरीके से आज हमारी बहनें निर्भीक निर्भय होकर बिना डर के शहरों में जा रही हैं, अन्य सरकारों में आप देखते हैं, मुझे बताते हुए हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा कि जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर एक सीओ साहनी हुआ करते थे जो बहराइच में भी पोस्ट थे, वो सीओ लखनऊ में थे, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनको जीप के बोनट पे बैठा करके पूरे शहर में नचाते हुए और कार्यालय लेकर गए थे। आज जीरो टॉलरेंस की नीति पर जहाँ पर गुंडे खड़े होते थे आज हमारी पुलिस खड़ी नजर आ रही है और पूरी ईमानदारी के साथ योगी जी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की गरिमा बढ़ाने का काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल नहीं हुआ करते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाई किए, लेकिन आज कायाकल्प योजना के तहत, स्कूल चलो अभियान के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय को बिल्कुल लबलपाता हुआ, चमचमाता हुआ करके और उनकी पूरी सुविधाओं से लैस करके जूता मोजा ड्रेस सारी व्यवस्थाएं, दोपहर का भोजन, मध्यान्ह भोजन सारी व्यवस्था करके और शिक्षा दर को ऊंचा बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इस तरीके से तमाम जन कल्याणकारी लोकहितकारी योजनाएँ हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई हैं और आप लोग देख रहे हैं कि पूरे श्रावस्ती विधानसभा में जितना 30 वर्षों में विकास कार्य न हुआ होगा उतना 5 वर्षों में हमारी योगी जी के नेतृत्व में श्रावस्ती में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहां आप जाएं वहां पूरे क्षेत्र में पूरी तरीके से आपको सुसज्जित मिलेगा। इस तरीके से शिक्षा का ग्राफ भी हमारा बढ़ा हुआ है और हमारे क्षेत्र में एक बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित कार्य था जो गिरौला से सिसवारा घाट का पुल था। बरसात में 50 गांव हमारे ब्लॉक और तहसील और जिला के कनेक्टिविटी से दूर हो जाते थे, उनको अब सुलभ मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 54 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया है, शीघ्र पुल का निर्माण होने जा रहा है। अब गिरौला के लोग 15 मिनट में भिंगा की यात्रा तय करेंगे। जिस तरीके से हर क्षेत्र में हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और बड़ी बड़ी सड़कें, एक सड़क तो आप लोग जानते हैं बहराइच से मल्लीपुर का मार्ग ऐसा था कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क थी, ये कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तुलसीपुर भिटिया चिचड़ी से अगर कोई डिलीवरी किसी बहन की होती थी और लेकर के मल्लीपुर CST जाता था तो कम से कम उसको 1.5 से 2 घंटा लगते थे और बहुत से लोगों की डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी। इस तरीके की सड़क थी, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए 73 करोड़ 2 लाख रुपये का धन स्वीकृत करके और रोड बनवा दिया है। आज तुलसीपुर चदरका बुजुर्ग भिटिया चिचड़ी का आदमी 15 मिनट में मल्लीपुर की दूरी तय कर रहा है, ये हमारे बताने की बात नहीं है,
आप दुनिया के चौथे स्तंभ में से हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊं, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हर नल से जल की योजना का जो कार्य किया है, हमारे 162 राजस्व गाँव में कार्य प्रारंभ हो गया, लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था मोदी सरकार ने किया है। और ये नहीं, हम लोग बचपने में देखते थे, सुनते थे कि विधायक जी की निधि होती है और सांसद जी की निधि होती है, लेकिन इस देश का किसान, जिसको सारी पार्टियां कहती थी किसान मेरा अन्नदाता है, किसान हड्डी की रीढ़ है, लेकिन किसान की बड़ी उपेक्षा हो रही थी, उन किसानों की आत्माओं को चूमते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान को सम्मान निधि दे करके देश के किसानों के मस्तक ऊंचा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज जब गरीब किसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब ईद बकरीद या होली दिवाली का त्यौहार आता है, उसके घर में पैसा नहीं होता, उस वक्त जब 2000 रुपये चौथे माह की किस्त उसके खाते में पहुंचती है, तो बड़े खुशी से झूमते हुए वो अपने पूरा त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। आज बच्ची के पास कोई मुद्दा नहीं है और सारे लोग मिलकर के मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग, हम तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं, आप लोग जानते हैं जिस समय सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उस समय जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था को जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर करूंगा। उस वक्त सारे राजा तो छोड़िए, सब मिल करके एक करके और पूरे धनुष को उठाने के बाद छोड़िए हिला नहीं सके। उस समय जनक जी ने कहा था ये हमने क्या कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया, अब कोई पृथ्वी पर वीर नहीं। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा था जनकराज ठहरो, ये धनुष पुराना चीज है, क्या चुटकी में इसे दबा लूं मैं, आदेश राम जी दे दे तो सारा ब्रह्मांड उठा लूं मैं, ये लक्ष्मण जी ने कहा था। तो उस वक्त गुरु विश्वामित्र जी ने कहा था नहीं लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ, उठो नाथ भंजो बहुचापू और मेटो ताप जनक परतापू। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस धनुष को उठाया था, तब आज सारी विपक्षी पार्टियां इस देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन केवल एक केवल नरेंद्र मोदी है जो उस धनुष को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और उत्तर प्रदेश में संवारने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इनका कोई विकल्प नहीं है, आने वाले 24 में 80 के सीट में 80 में से 75 से 80 के बीच में हमारी लड़ाई होगी, बाकी कोई नहीं, आप लोग जानते हैं। और पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी आप लोगों के माध्यम से तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालेंगे और पुनः लाभान्वित पूरे देश को करेंगे और उसी में पूरे जनमानस का गौरव बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आज काफी समय से आप लोग बैठे, सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।